हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ आपके लिए यामा XSR125 की हाइलाइट्स और इसके फीचर्स और इसकी की स्पेसिफिकेशंस मैं आपको सारे बताने वाला हूँ। इसके सारे फीचर्स गाइस मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा और इंडियन मार्केट में कब तक आ जाएगी गाइस, इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो भी मैं आपको बता दूंगा गाइस। तो ये इसी साल इंडिया के अंदर आने वाली है, जो कि गाइस इसका Q3 के अंदर आएगी, यानी कि ये बाइक जो आपकी लॉन्च जो है इसकी एक्सपेक्टेड है गाइस वो अगस्त के महीने में रहने वाली है। तो इसके कुछ फीचर्स और इसकी की हाइलाइट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपको इस बाइक के बारे में सारी नॉलेज दे देंगे गाइज। तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि इसके अंदर डुअल चैनल ABS आएगा, तो मैं बाइक गाइज आपको क्लियर कर दूँ, क्योंकि जैसे कि आपको बताऊंगा यामा MT50 के अंदर भी डुअल चैनल ABS नहीं है। तो इसके अंदर आपको डुअल चैनल ABS देखने को नहीं मिलेगा, इसके अंदर भी आपको सिंगल चैनल ABS ही देखने को मिलेगा इस बाइक के अंदर, ठीक है। जो कि डिस्क ब्रेक तो रहेगा, क्योंकि डिस्क ब्रेक तो आज के टाइम पर मैंडेटरी है, बट इसके अंदर सिंगल चैनल ABS रहेगा, आपका डुअल चैनल ABS नहीं रहेगा। और बात कर लें इसके इंजन की, तो 124 cc का आपको इसका इंजन देखने को मिलेगा। इसकी पावर की बात कर लें तो गाइज 14.9 PS इसका पावर आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका न्यूटन टॉर्क की बात कर लें तो गाइस यहाँ पे 14.5 न्यूटन टॉर्क मीटर देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन रहने वाली है। गाइस बात कर लें इस बाइक की लुक की, तो लुक काफ़ी अच्छी है। LED आपको लाइट देखने को मिलेंगी, चाहे गाइस इसकी बैक लाइट है वो भी LED देखने को मिलेगी। और इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ठीक है, जो इसका गाइस कंसोल मीटर है, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो गाइस जैसे कि आप इस वीडियो में भी देख पा रहे हो, बाइक काफ़ी इंप्रेसिव रहेगी, लुक काफ़ी अच्छा रहने वाला है, कंफर्ट काफ़ी बढ़िया रहेगा, सीट कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो गाइज इस बाइक का जो CC रहेगा गाइज वो 124 cc है। इसका जो एक वर्जन और आता था YAMAHA XSR 155 cc, तो उसका ही लाइटर वर्जन रहने वाला है, बट काफ़ी अच्छे से इस बाइक को ऑप्टिमाइज़ किया जाएगा। और इसके अंदर गाइज आपको लिक्विड कूलिंग का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, लिक्विड कूल्ड वाला सिस्टम रहेगा, जो कूलिंग सिस्टम रहने वाला है इस बाइक के अंदर। तो ये चीज़ भी आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाएगी। बाकी गाइज इस बात की प्राइसिंग की अगर हम बात कर लें, तो ये बाइक आपको लगभग 135 लैक्स के आसपास देखने मिलेगी, 1.35 लैक्स के आसपास इस बाइक को आपको देखने को मिलेगा गाइज। ये आपका एक्सट्रीम प्राइस हो सकता है। इसके कलर आपको ब्लैक, रेड और येलो कलर में गाइज आपको ये बाइक देखने को मिलने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। और इसकी गाइज जो मैक्सिमम स्पीड रहेगी वो गाइज 90-140 की में के आसपास रहेगी। तो ये गाइज इसकी मैक्सिमम स्पीड जाने वाली है। बाकी गाइज बाइक ओवरऑल काफ़ी बढ़िया है, इसकी कंपटीटर भी बहुत सारी बाइक है, बट गाइज ओवरऑल इस बाइक को काफ़ी अच्छे से देखा जा रहा है। और इसका जो मैक्स पावर है वो मैं आपको बता चुका हूँ, 14.9 PS है। तो गाइज इस तरीके से आपका रहने वाला है, फ्रंट और रियर दोनों गाइज आपका डिस्प्ले रहेगा। फ्यूल टैंक वो 11 लीटर का रहने वाला है गाइज, जो कि MT15 का भी रहता है। तो ये कुछ इसके फीचर्स हैं। आई होप कि गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो गाइज हम मिलते हैं आपसे किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और प्लीज़ गाइज सपोर्ट करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।